a certain sum of money amounts to rupees 2420 in 2 years. Again. And rupees 2662 in 3 years at some rate of compound interest. 2662 in 3 years at some compound rate of interest. Annually, the rate of interest per annum. मैंने वो पहले क्या बताया, देखो ये 20 है, ये 0 है, ये 2 है, और यही का यही 2 यहाँ आ गया, तो मतलब डायरेक्टली रेट कितना है 10%. बस मैंने ये देख लिया, ये नियर अबाउट 2 का ही फर्क है ना, ये 2 फिगर है, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 का फर्क है, तो आंसर डायरेक्टली 10% हो गया. ठीक है, सॉल्व भी कर लेते हैं. हमें क्या पता है, हमें ये पता है ये 2 साल के बाद 1 साल में, अगर ये 1 साल का फर्क है ना, ये कितना हो गया 2662, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल, ये हो जाता है अमाउंट. इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी माइनस 2420, ये कितना आ गया 242, ये आ गया इंटरेस्ट. तो रेट क्या होता है, रेट होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, यानी इंटरेस्ट कितना है हमारा 242, प्रिंसिपल कितना है 2420. दिख ही रहा है मुझे 10% है, आंसर कितना आ गया 10%. तो 10% इज दी आंसर. वैसे ही डायरेक्ट शॉर्ट बताइए, 0 2 था, 2 2 आ गया, तो रेट 10% हो गया.